हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,909 मामले आए सामने। 380 लोगों की इस दौरान जान गई। अकेले केरल में 29,836 केस मिले। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए मामले पाए जाने में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 42,909 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन पहले इसकी संख्या 45,083 की थी। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में 380 लोगों की जान गई है, तो वहीं 34,763 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक भारत में 376,324 एक्टिव केस है, तो वहीं 3,19,29,405 डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 4,38,210 लोगों की जान जा चुकी है। 19 वर्षीय शूटर अवनी पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जी हां, 19 वर्षीय शूटर अवनी लेखरा पैरालंपिक्स के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अवनी ने महिलाओं के R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग्स SH1 इवेंट में 249.6 के स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। मौजूदा टोक्यो पैरालंपिक्स में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का किया आह्वान। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन के 10 महीने पूरा होने के अवसर पर 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। हरियाणा के SKM नेता दर्शन पाल सिंह ने दक्षिण हरियाणा मेवात के किसानों से दिल्ली को अवरुद्ध करने के लिए तैयार रहने की अपील की है। तालिबान ने कंधार में टीवी रेडियो चैनल में महिलाओं की आवाज पर लगाया प्रतिबंध। जी हां, तालिबान ने कंधार में टेलीविजन और रेडियो चैनलों पर संगीत और महिला आवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद कुछ मीडिया आउटलेट्स ने अपनी महिला एंकरों को हटा दिया था। काबुल में स्थानीय मीडिया ने बताया कि कई महिला स्टाफ सदस्य को अपने कार्यस्थलों से लौटने के लिए भी कहा गया था। अब 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 2 साल के ऊपर के बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक के तीसरे ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। यह जल्द ही बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। मंडाविया ने गुजरात में भारत बायोटेक के नए संयंत्र से कोवैक्सीन टीके की पहली वाणिज्यिक खेप रवाना की। 2024 तक देश में होगी 100 वंदे भारत ट्रेनें, 58 नई ट्रेन खरीदने की निविदा जारी। जी हां, रेल मंत्रालय ने 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 58 वंदे भारत ट्रेनों की खरीद के लिए एक नया टेंडर जारी किया है। मार्च 2024 तक इन ट्रेनों की डिलीवरी कुल संख्या को 102 तक ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेल मंत्रालय की बैठक लेने के बाद यह खबर आई है। तालिबान ने कहा, हम भारत के साथ व्यापार और राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। जी हां, सूत्रों के अनुसार तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश बताते हुए कहा कि तालिबान भारत के साथ अफगानिस्तान के व्यापार, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है। भारत ने अफगानिस्तान में लगभग 500 परियोजनाओं को पूरा करने में कम से कम 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। हिमाचल प्रदेश ने पहली खुराक के साथ वयस्कों का 100% टीकाकरण किया पूरा। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक का टीकाकरण 100% पूरा हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 के टीके की पहली खुराक दे दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।